Hi friends, hope you all are okay. And in today's video I'm gonna tell you about how can you easily graft mango plant. So you can see that aapko yahan pe ek jo aapko seed se taiyar kiya hua plant chahiye hoga aur dusra mother plant chahiye hoga jisme ki fruiting hui ho, jis ped mein fruiting ho rahi ho, uska aap ek tana le lijiye aur use v shape mein cut kar lijiye. Aur jo seed se grow kiya hua plant hai usko aap 4 se 5 inch upar कट कर लीजिए और उसमें बीच में हाफ इक्वली डिवाइड करके आप उसमें इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर दीजिए और उसको बहुत ही टाइटली आप उसे किसी भी रैपर से या टेप से आप उसे टाइटली बांध दीजिए ताकि इसमें एयर या पानी कुछ भी इसके अंदर ना जा पाए. तो आप उसको किसी भी जहाँ पे भी आप इसे ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसे ट्रांसप्लांट कर लीजिए. उसके बाद आप देख सकते हैं एक वीक के बाद का रिज़ल्ट है. आफ्टर 1 वीक इसमें छोटे छोटे से बर्ड्स आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली. मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और सक्सेसफुल रहा. एक्चुअली मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी तो एक 2 ग्राफ्टिंग की थी तो एक ग्राफ्टिंग तो सक्सेसफुल रही और दूसरी उसका जो नीचे का जो सीड से ग्रो किया हुआ था वहाँ से उसमें फंगस लग गया. तो आप कोशिश करना कि इसको फंगस से बचा के रखना है. तो आप मिट्टी बनाते टाइम जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप एंटी फंगस पाउडर आता है वो ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा. मैंने इसमें कोई फंगस यूज़ नहीं किया बट दूसरे वाले में मुझे लग रहा है फंगस ही लग गया. सो आप यूज़ कर लेना फंगस, एंटी फंगस आता है पाउडर तो यूज़ कर लेना. और इसमें जो ब्लेड चाहिए होता है आप जिससे भी कटिंग कर रहे हैं आप वो ब्लेड बिल्कुल ही शार्प रखना. और मतलब नया ब्लेड ले तो आई थिंक इट्स बेटर. तो आप नए ब्लेड से इसमें कटिंग करिए. और अभी मैं इसका जो ऊपर से मैंने कवर किया हुआ था वो मैं अभी नहीं हटाऊंगी क्योंकि अभी इसमें इंसेक्ट बहुत जल्दी अटैक कर जाते हैं तो अभी मैं इसे बचा के रखूंगी. इसके बाद आप देख सकते हैं आफ्टर 4 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट है. इसमें जो छोटे छोटे से लीव्स आ रहे हैं जो लास्ट में मतलब दिखाया था मैंने उसमें तो आप देख सकते हैं आप बहुत ही ईजीली इसको ग्रो कर सकते हैं. इसमें बहुत मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और ये सक्सेसफुल रहा. तो आप भी अपने घर में ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं कटिंग्स और क्राफ्ट कर सकते हैं मैंगो प्लांट. तो आप मैं इसका रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसी इसकी ग्रोथ हो रही है. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.